What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile की प्यारी सी वीडियो. एंड यार क्या बताऊं मैं तुम लोगों का प्यार, यार क्या जा रहा है यार इतना सारा प्यार. Cap Gang, थैंक यू सो मच यार. हम लोग 8 लाख सब्सक्राइबर्स के तेरे पास अगेन. तुम लोग तो लाइक कतई मुझसे ज्यादा हाइप. तो तुम लोग यार मेरे इंस्टा पे कितने सारे स्टोरीज आ रहे हैं भाई. मैं थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. यार कितनी अमेजिंग कम्युनिटी है मेरी, ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है. आई फील आई एम वेरी लकी यू नो टू हैव यू ऑल गाइस. तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार गेम प्ले जिसके अंदर हमने खतरनाक ब्रिज कैम करा है. बहुत मजा आने वाला है. आखिर तक बैठ के देखना. पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न निकालो भैया, बहुत मजा आने वाला है. तो अभी तो हम निकल लिए अपने दो केड़ी के स्पॉन आइलैंड से गुटखा थूकते हुए. नहीं मैं गुटखा नहीं थूकता हूँ, मैं एक्शन गुटखा थूकता हूँ, नेवर माइंड. तो ये जो प्लेन है हमारा, अब तो वैसे देखा जाए ना ये प्लेन अच्छा था जब आया था ना, भोर से हो रहे थोड़े. वैसे भी आई थिंक 7 तारीख को तो न्यू सीज़न आ ही रहा है, 7 या फिर 9 तारीख को. तो तब न्यू कपड़े और बहुत कुछ मिलेगा. बट आज हम कुछ अजीब अनोखा करने वाले हैं. आज हम जा रहे हैं याशिनाया पोलियाना में. बस क्या बताऊँ कैसी ज़िंदगी हो गई है. कॉज देखो हॉट ड्रॉप पे लोग आते नहीं, पता है. मैंने लोगों से पूछा था थोड़े दिन पहले कि भाई बंदे कहाँ जाते हैं, हॉट ड्रॉप तो पहुँचेंगे कोई नहीं आ रहा, कहाँ जा रहे सब. तो लोग बोल रहे, एक ने बोला था सिवर्नी एंड एक ने बोला था याशनाया पोलियाना. तो हमने आओ देखा ना ताओ घुस गए याशनाया में कि भाई कोई तो आएगा. मगर हमें का पता था कि भाई सब काट दिया हमारा, घंटा कोई नहीं आया. इतनी बड़ी जगह में एक बंदा ना बंदे की जाट, मेरे को ऐसा लग रहा था. बट मैं जैसे ही यहाँ उतरा ना, एकदम से पता नहीं कहाँ से दो एक स्क्वाड पूरी की पूरी आके मेरे मुंह पे गिर गई बिना मतलब. मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को तो लिटरली लगा था बॉट आए हैं. मैं तो पता बॉट की तरह मारने गया था. मगर हमें का पता था कि ये तो असली बंदा है बे. एंड ये आराम से लूट रहा है, मैंने इसको मार दिया. मैंने इसका नाम पढ़ा, मैंने कहा ओ भाई साहब ये तो स्क्वाड आ गई इसकी. एंड फिर एक बंदे ने मेरे को दूर से उजी मारी उठा करके ना भैया, इसको बचाने के चक्कर में उसने मेरे को उजी मार दी इतनी दूर से. तो मैंने कहा ओ माई गॉड UMP 45 यार क्यों निकाला UMP. नहीं पबजी वालों ने ना एकदम से जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, समय बदल दिया यार. फाड़ के चार कर दी, सिलने का सलवार कर दी, UMP 9 का मर्डर कर दिया उठा के पबजी वालों ने. एंड फिर क्या, इस बंदे पे भी हम घुस गए आग बंद करके. कॉज देखो किल्स आर इंपॉर्टेंट. केड़े चाहिए आ रहे बाबा, मरो रहा है, मरो जल्दी मरो यार. चलो कुछ नहीं, गन की गोलियां बदल दी, भी आवाज़ तो नहीं बदलते यार. UMP की आवाज़ ही भी बदल दी इन चूहों लोगों ने यार. क्यों भाई क्यों, देखो UMP यार 9 कितनी फेवरेट थी. लाइक मैं अब सीरियसली कोई अपनी ज़िंदगी में ना पबजी प्लेयर अपनी एक्स को इतना मिस नहीं करेगा जितना हम लोग UMP 9 को मिस करेंगे. पबजी प्लीज़ यार UMP 9 को वापस दे दो भाई, 100-200 ज़्यादा ले लो भाई. नहीं चाहिए UMP 45 हमें, नहीं भाई नहीं नहीं चाहिए. अब तो तुम्हें पता है ना जब से ACP बुलेट्स आनी शुरू हुई हैं, इसके अंदर तुम 4X नहीं चला सकते उतने अच्छे से, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 4X इस पर चलने आने लायक ही नहीं बचा है. बुलेट की स्पीड ही इतनी कम है ना, गिर जाएंगी गोलियां नीचे पहुंचने से पहले ना, कहाँ बताएं. बट चलो जो बात है इसमें कुछ खास है लग चुकी है आगे. मैं तो 3X ही चलाऊँ, 4X ना चलाऊँ कभी UMP में ज़िंदगी में. तो फिर मेरे को मिल गए यहाँ पर M416 द गार्ड गन. इनके बाकी बंदों से भी हमारे यहाँ पर लड़ाई होगी. तो एक बंदा उसके पीछे था, मैंने मॉली फेंक के उसकी जला दी GND. क्या ही जलाया है, मजा आ गया चला करके भाई साहब, एक नंबर जलाया. तो फिर तो तुम्हारे भाई आखिरी बंदे को ढूंढने के लिए नमूने बंदे टाइप ऊपर चढ़ना ही था. देखो किल की भूख एंड केडी का लालच किंग एंड्रू को अंधा बना देता है, किल लेने के चक्कर में पागल बना देता है, एंड आखिरी बंदे को मारने के लिए जज्बाती बना देता है. भाई साहब कैसी कैसी हिंदी सीख गया मैं, वाड़ू है. तो फिर वो आखिरी बंदा मिला नहीं, अपनी फरारी में फरार हो गया यहाँ पर से पहली फुर्सत से याशनाया से निकल के. पता नहीं याशिना पोलियाना, पता नहीं कैसे कैसे नाम थे, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में. बट हम यहाँ से जा रहे थे, खाना पीना खा रहे थे. अब मेरे को जहाँ तक उम्मीद है ये शायद से लिपोक्वा की जो स्क्वाड है वो सकती है, या फिर मैंशन की स्क्वाड है. मैंशन की तो लग नहीं रही मेरे को. एंड ये लोग क्या ही भागे हैं रे. अरे भाई साहब ऐसा तो भाई, ओ गायब छू मंतर छू. भाई फरारी भी इतना तेज़ नहीं चलती जितना तेज़ इन्होंने US को भगाया है रे.
आओ देखो ना तो भाग जाओ भाई, कहाँ भाग गए हैं रे। मैं एक्शन की दो कार्डी का चाय का सेवन कर लिया करे बाबा। नहीं दिख रहे भाई, नहीं, हमने बहुत कोशिश करी इनको ढूंढने की भाई, जिंदगी का निचोड़ निकालने की कोशिश करी कि भाई कहीं तो दिख जाए। फिर तुम्हारे भाई ने लगाया 15 केडी का दिमाग, बोलेगा दिमाग से ढूंढेगा। तो मैं ऐसे जा रहा था, मेरे को बग्गी तो थी, फिर मेरे को आगे दिखे एक डासिया एंड फिर ये बंदे दिख गए। ट्रिपल स्टोरी में, ट्रिपल स्टोरी में, हाँ एक ट्रिपल में, दो है, दो है ट्रिपल स्टोरी में। नॉक ट्रिपल स्टोरी में, हाँ कूदा कूदा, उधर उधर पत्थर के पीछे भाई, क्या ही भरा इसने मेरे को। ओ भाई ओ, अबे ये मेरे को 1 HP भी किल कर देता रे, मार के कंटेंट वॉन्टेंट सब खा जाते एक सेकंड में मेरा, ये रोजी रोटी निकल जाती, सूखी रोटी खा के सोनी पड़ती मेरे को भाई। बट हमारी M416 द गार्ड गन के आइडियाज कुछ अलग थे। बट यार नहीं यार, UMP के यार क्यों यार, देखो UMP इतनी, देखो कैब गैंग जस्टिस फॉर UMP, देखो हमको UMP को 9 को वापस लाना ही पड़ेगा, हमको कैब गैंग की शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो पबजी वालों समझो, UMP 9 भाई बहुत अच्छी गन थी, तुमने बैठे बिठाए अच्छी खासी गन को पेल दिया, क्यों भाई क्यों भाई। तो कैब गैंग अटेंडेंस तो दे दो भाई, अटेंडेंस तो कैब गैंग वासी हो, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, एंड अगर आपकी नहीं है तो पूरी कर लो जल्दी से, नीचे जाकर प्रेजेंट होके ऑप्शन बताओ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर चैनल पे नए, कॉज अब तुम्हारा भाई बहुत महंगा गेम प्ले करने वाला है यहाँ पर से। नीचे जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, तुम्हारा गोल 8 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल पे नहीं, और सब्सक्राइब करो अपने गर्लफ्रेंड के अकाउंट से, बॉयफ्रेंड के अकाउंट से, अपने गर्लफ्रेंड के एक्स के बॉयफ्रेंड के अकाउंट से, नहीं मतलब कि सारे खानदानी के एक्स के अकाउंट से कर दो सब्सक्राइब, बता रहा हूँ मैं। ये वाली खिड़की में देखो, एनिमीज अहेड, उधर भी है, उधर भी है, डबल स्टोरी, एनिमीज अहेड, कर रहा पिक कर, एनिमीज अहेड, अच्छा उसके पीछे भी, नाइस अब तुम लोगों की चीज बताऊं कि मैंने यहां पर ना एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 किल चोरी करे हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने अपनी 3 केडी बिना किसी मेहनत से बढ़ाई है। जी हाँ आप भी कर सकते हो ये। अभी मैंने क्या हुआ कि इधर दो बंदों को भी मैंने किल चोरी करके निकाल लिया, फिर मैं ऊपर भाग के गया, ऊपर फुटस्टेप आ रहे थे, मेरे को लगा जिंदा बंदा होगा, मगर मेरे को तो सरप्राइज मिल गया, एक और फ्री का किल दे दिया मेरे को गेम ने। गेम लाइक बहुत अच्छा था आज ना, मेरे को फ्री के किल पकड़ाया जा रहा था बार बार, हर छोटी छोटी बात पे बोल रहा था ले एंड ब्रो ले एक और किल ले, अरे बेटा एक और किल लो आप, अरे एक और ले ले रे एक और ले ले। नहीं मेरे को पता है तुम लोग अभी बोलोगे अरे किल चोरी करता है एंड, अरे भाई बात सुनो डैमेज तो बॉर्ड भी दे देते हैं, असली प्लेयर वो होते हैं जो किल चुराते हैं। किल एंड इसी के साथ ये स्क्वाड साफ, ये स्क्वाड कैंपिंग कर रही थी यार, TPP ले रही थी, TPP की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी भाई। देखो 100-200 ज्यादा ले लो, TPP ले रहे हो तो कम से कम ढंग से तो लो रहा बेटा, TPP लेता हो उसके बाद पटता भी, अरे ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात हुई ना। बाय द वे अगर आज के बाद से अगर आपका कोई दोस्त आकर आपको बोलता है कि भाई तू किल चोरी करता है, उसके मुंह पे ये
पंच लाइन मार देना ना तुम, किंग एंड ब्रू स्पेशल पंच लाइन कहते हैं इसे, कि डैमेज तो बॉट्स भी दे देते हैं, असली प्लेयर वो होते हैं जो किल चुराते हैं। अरे भैया कोई भी हो उसका मुंह फटा का फटा और उसकी जीएनडी फटी की फटी रह जाएगी, एंड तुम किल चोरी करते हुए भी तुमको कोई कुछ नहीं बोले। बस कहा बताएं इसी बात की, लाइक इसी बात के तो पैसे, नहीं तो हम भी तो मैक्सटन की दो केड़ी के जैसे हैं। वाह मैक्सटन का क्यों रोस्ट मार रहा है, अरे 100 से ज़्यादा ले लो छोड़ दो रे, नहीं 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 ऐसा नहीं होने का। बट जो बात है इसमें कुछ खास लग चुकी है, आगे हम लोग निकल लिए इधर से ना, कॉज अब देखो जोन जो है वो मिलिट्री की तरफ जा चुका है एंड सबको लाइक जिंदा जाना है। तो हम लोगों ने देखो हमारा एक ये थोड़ा सा डिसाइडेड है हम लोगों की स्क्वाड के अंदर एक स्ट्रैटेजी है कि कभी भी ब्रिज क्रॉस करना है एंड जोन बहुत छोटा है तो हमेशा दो गाड़ियों का इस्तेमाल करो, कॉज अगर ब्रिज कैंप भी हुआ तो सिर्फ दो मरेंगे बाकी दो तो बच जाएंगे, मतलब किसी ना किसी का तो कंटेंट बच ही जाएगा एंड किसी ना किसी का तो रोजी मिल ही जाएगी, कम से कम वो तो मरेगा नहीं। अगर ये चारों एक ही गाड़ी में जाएंगे तो सबके अलग जाएंगे। फिर सीन ऐसा था कि ये पूरा का पूरा ये रेखा ली था एंड फिर हम थोड़े से अब मजे ले रहे थे, ठीक है। अब बात क्या है कि हमें पता था कि 100% एक स्क्वाड उधर है, कॉस उधर एक फ्लेयर चली थी हमारे इधर आने के बाद एंड वो लोग इधर से ही आएंगे, तो हम यहाँ पे बैठ के कैंपिंग कर रहे हैं, ब्रिज कैंप कर रहे हैं, टीपीपी की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर तुम्हारे भाई ने सोचा अब क्या करें, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि लाइक एक न्यू ग्लिच सा है या फिर ये पबजी के अंदर पॉसिबिलिटी हो गई है कि तुम अब जाकर के ना ब्रिज के एकदम ऊपर चढ़ सकते हो, मतलब कि कतई एकदम ऊपर के भी ऊपर। तो मैंने कोशिश करी कि भाई देखते हैं क्या पता काम भी करता है कि नहीं। अब मैं ये ट्रिक शॉट व्रिक शॉट की वीडियोस इतनी देखता नहीं हूँ कि मेरे को ट्रिक्स पता चल जाए कि ढंग से कैसे होता है, मैं अपना दिमाग लगा कर ऐसे ऊपर जा रहा था ऊपर नीचे करता हुआ। बट सही बताऊँ तो मेरा बहुत बुरा खटा भाई, मेरी हेल्थ केयर लग गए थे कूदते कूदते, तो मैंने इधर गया मैं कूदा रहा भैया आह आह, फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैंने देखा अब कहाँ जाऊँ, अब क्या करा रहा भैया, अब क्या करा, कहाँ मरवाएं अपनी भाई। देव वीडियो को लाइक करा कि नहीं कैब गैंग, अरे अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कॉज अभी भी गेम प्ले सस्ता है भाई, अभी गेम प्ले जब महंगा हो जाएगा तब मत बोलना कि भाई लाइक नहीं कर पाए, ना 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 ना, ना लाइक कर दो अभी। फिर मैं डायरेक्ट इधर कूदा, कॉज मेरे टीममेट ने बोला मैं किसी तरीके से पहुंच भी गया। बट फिर तुम्हारे भाई ने लगाया 15 KD का दिमाग, बोला ऊपर ही चढ़ेगा, हाँ मरवा ली अपनी, वेरी गुड एंड्रू बेटा, यही तो बचा है जिंदगी में तुम्हारे बेटा। एंड इतने में क्या हुआ ना, जैसे मैं नीचे आया मैं तो हेल्थ मार रहा था, इतने में ब्रिज के उधर से आई एक स्क्वाड एंड इस स्क्वाड को मारने के लिए तुम्हारे भाई के अंदर आई किल की वो केड़ी का लालच एंड जोन के बाहर ही रोक के इनको मार के गया। फिर मैं वैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत ही नोबड़ा शॉट मिस कर दिया, अरे दो केड़ी की स्नाइपिंग है तुम्हारे भाई की, क्या बताएं, अरे बहुत ही घटिया स्नाइपर हूँ मजाक सेट के, मेरे को स्नाइपिंग नहीं आती उतनी अच्छी, बट मैं ले लेता हूँ EWM शॉक शॉक में, कॉज 1 shot 1 kill होती है। दो बचे देखना इंदुर भाई देखना देख बहुत हार एडीएस से मेरा है बहुत हार, हाँ नहीं नहीं मर गया हूँ। एंड इसी के साथ ये स्क्वाड पूरे की पूरी साफ़ है। यहाँ पे जो हमारे अमान भैया थे मरने वाले थे, बट हमने कहा नहीं बेटा नहीं, आज का डन किंग एंड्रू किसी को नहीं मरना देगा रे बाबा, आशीर्वाद दिए ऐसे हाथ रखा इसके सर पे, बोला बेटा जिंदा रहेगा तू। एंड फिर क्या था, किंग एंड्रू का हाथ पड़ गया सर पे, इससे अच्छा क्या चाहिए रे, बच गया वो। तो फिर हमने आओ देखा ना ताओ अपनी GND बचा, भागो कॉज देखो जोन आ चुका है, जोन जा चुका है एंड जोन पापा को गुस्सा होगा ना बहुत मारते हैं। लाइक जिंदगी में दो चीज से डर करने का, ठीक है, ये लड़कों के लिए टिप्स एडवाइस है, ठीक है, तुम्हारा डेटिंग एंड्रू की तरफ, एक तो लड़की का बाप
एंड दूसरा पबजी का जोन। बहुत बहुत ये तो बहुत खतरनाक चीज है, मार देती है पकड़ कर करे बेटा, फाड़ के चार कर देते हैं, सलने को सलवार कर देते हैं, लंबे लंबे लगवा देती है जिंदगी के। इसलिए ये दो चीजों से जब तक बच कर रहोगे जिंदगी में खुशी बनी रहेगी तुम्हारे। बस आज का ज्ञान यहीं तक था डेटिंग एंड की तरफ से। तो अभी एक फ्लेयर चली है, देखो फ्लेयर जब चलाई और किंग एंड ब्रोना ऐसा तो बनता ही नहीं है। तो मैं गया जल्दी से देखा, अब बंदे स्मोक वोक करके आराम से लूट रहे हैं। अब मेरे पास तो AWM थी तो उसका मेरे को यहाँ पे फायदा हो, एंड उसी से मैंने यहाँ पे एक बहुत इजीली किल भी उठा लिया बहुत दूर। देख लिया वो, अरे ये दूर है, दूर है दो इसको। तो यहाँ पर ये जो स्कॉट थी, इन लोगों ने कोशिश तो बहुत अच्छी करी हमको मारने की, बट इनका कट गया क्योंकि इनका एक बंदा तो पीछे वाली उधर रिज पे चढ़ा हुआ था पहाड़ पे, एंड उसको तो पहाड़ से नीचे उतार दिया मैंने मार मार के। एंड नीचे जो बंदा था वो तो ड्रॉप के पीछे बेचारा फंस गया एंड वो वहाँ मर गया। अभी दो ही बंदे थे, पता नहीं था स्प्लिट हो गई क्योंकि खड़े हुए थे। इससे अच्छा एक बंदा कंपाउंड पे रहता है एंड एक लूटता तो चांस था इनका बचने का, बट इन्होंने लगाया दो कीड़ी का दिमाग एंड दूर दूर होके मरवा ली। बट चलो कोई ना, हमको मिल गई यहाँ पर फ्लेयर। अब फ्लेयर के अंदर से तो बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है जो कि तुम्हारे भाई ने नहीं लिया। मैं नहीं लेता यार, देखो जब एक फ्लेयर होती है ना तो मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि मेरे टीममेट्स को सबसे पहले फ्लेयर मिले, उनको सबसे बढ़िया चीज़ मिल जाए, क्योंकि हमको तो फिर बाद में मिल ही जाएगी AWM तो कौन सा जो बात है इसमें कुछ खास ही लग चुकी है। आ गए तो बाय द वे कैप गैंग, ये बताओ 800,000 सब्सक्राइबर्स हम स्पेशल क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ Q&A करें या फिर लाइव स्ट्रीम करें, पता नहीं यार। तुम जाके नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो, कुछ डिफरेंट हम नया करें 800,000 सब्सक्राइबर्स पे, जो अब तक ना करा हो किसी ने, बताइए नीचे जा करके, एंड हम वही करने के पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी कंपाउंड के पास हम आगे, कॉज देखिए ये कंपाउंड जोन में था एंड इतना तो कन्फर्म था कि कंपाउंड के पास ही जोन बनेगा। लाइक कभी भी ऐसा हो ना कि बहुत बड़ा जोन है एंड उसके अंदर एक कंपाउंड है, तो 80% ऑफ द टाइम जो है वो जो जोन होगा खींच के कंपाउंड की तरफ आ जाएगा। ये पबजी का एक छोटा सा दो कड़े का थोड़ा सा कहते हैं ना जोन प्रिडिक्शन टाइप है, आप ले सकते हो। बट अब ये पहाड़ी पे ना चार चार बंदे चढ़े हुए थे, अब इन चारों बंदों से डिसाइड किया तुम्हारे भाई ने लड़ाई करने को। बट इधर मैं थोड़ा सा लाइक सस्ते नशे में हो गया तो मैंने कहा भाई मेरा स्कोप अपने आप क्यों खुल रहा है यार ये इधर। तो वो पहाड़ी वाले बंदों को हमने थोड़ा फिर पहाड़ पर से उठा करके मारा AWM से, देखिए कैसे वो पहाड़ वाले बहुत लुक Enemies ahead. तो आओ देखा ना ताओ AWM बजाए जाओ वाली स्ट्रैटेजी तुम्हारे भाई ने इस्तेमाल करी, ये क्या स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, एंड उनको यहाँ पे पेल दिया हमने। अब सीन क्या था कि अब ये पहाड़ी पे दो दो स्क्वाड थी एंड इधर के एरिया में सिर्फ हम अकेले थे, तो उसका हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जब ये जोन बंद हुआ ना ये सब के सब नूबड़े जोन के बाहर रहे, एंड उनका क्या ही कटा है भाई साहब, फिर तो बहुत ही बढ़िया वाला कटा है। बट अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो AWM के चार्टे देख के जाओ भाई, अभी तो AWM के चार्टे बजने शुरू हुए हैं, अभी तो AWM से मारा जाएगा रे अच्छा खासा, अभी इनको पकड़ कर कर आओ रहे हो टकला दिखाओ कि फाइट चल रही है दोस्त। एनिमीज अहेड, एनिमीज अहेड। AWM तो पापा गन से तो घंटा भी कोई ना बच पाए, देखो 100-200 से ज़्यादा ले लो, एक AWM एंड एक M249, इन दो गनों से दूर दूर से निकल जाना। लाइक आवाज़ सुनते ही ना अगर तुम पुश भी कर रहे हो ना एक बारी को सोच लेना कि भाई देखो सामने वाले पे जो गन है ना वो बहुत खतरनाक है, तो तुम आसपास से निकल सकते हो अपनी बचा करके, नहीं तो देखो फिर जो आगे जो हादसा हो सकता है तुम्हारे साथ उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। अब सीन क्या हुआ कि मैं इधर इंतज़ार कर रहा था कि जोन जाएगा का, इतना तो मेरे को कन्फर्म था कि जोन इधर ही आएगा, तभी मैं अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आया हूँ, एंड जैसे कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, जोन हमारे ऊपर बन गया एंड सामने वालों का कट गया। इनका तो ऐसा काटा कि भयंकर, जिंदगी में कभी ऐसा कोई ना काट पाया होगा। तो हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए ऊपर में, देखो इनका गेम ख़त्म हो चुका है, लाइक लिटरली हम ये गेम यहीं पर ही जीत चुके हैं क्योंकि ये लोग जोन में आ ही नहीं सकते, जोन आएंगे कैसे, रास्ते में हम बैठे हैं, रास्ते में स्प्रे मार के नहीं उड़ा देंगे कहने, जैसे कि अभी हुआ यहाँ पर। फिर ये बच्चे उसमें से एक इस साइड है, एक या दो भी हो सकते हैं। एनिमीज अहेड, आया हिल पे बाकी के
Enemies ahead. Barrel wala dead. Bas gaadi wale bache. एंड इसी के साथ विनरू विनरू चिकन डिनर, बट कहीं जाने की जरूरत नहीं है कैपकिंग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अच्छी सी AWM किलिंग की मॉन्टेज, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी लगी है। एंड इसका जो पहला किलर ना वो तो देखने लायक था, उसको देखे बिना तो कहीं भी मत जाना। रुक जाओ भाई, देखो ये enemies ahead. एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच कैपगैंग फॉर योर लव एंड सपोर्ट यार। 8 लाख सब्सक्राइबर्स को यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था पहुंच पाऊंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। एंड सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पर नए हो। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें विद अ ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। पीस आउट। आई नीड ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।